हमारा भाई चला गया, हमारी कमर टूट गई, हमारा सबसे प्यारा भाई था। विशेष बात यह कि देश के लिए कुर्बान भाई और तो जाने तो मैं दुखी दूंगा। माउंट एवरेस्ट को फतेह कर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाला जाबाज कुपवाड़ा में हुआ शहीद, गृह जनपद नैनीताल में शोक की लहर। जी हां, उत्तराखंड की धरती से एक और लाल ने अपने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। उत्तराखंड के लाल यमुना पनेरू ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ सेना की लगातार मुठभेड़ जारी है और बीते एक हफ्ते में 10 से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सेना मौत के घाट उतार चुकी है। बताया जा रहा है कि सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग और आतंकी घुसपैठ के चलते भारतीय सेना लगातार पेट्रोलिंग कर दुश्मनों पर नजर बना रही है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग टीम के साथ यमुना पनेरू चल रहे थे और इसी दौरान यमुना पनेरू शहीद हो गए। आपको बता दें, शहीद यमुना राज्य के नैनीताल जिले के रहने वाले थे और कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। जैसे ही उनके घर को शहीद होने की खबर मिली, पूरे घर में कोहराम मच गया। आपको बता दें, 39 वर्षीय शहीद यमुना पनेरू साल 2002 में सेना में भर्ती हुए थे और साल 2010 में उनकी शादी हुई थी। शहीद यमुना पनेरू 7 वर्षीय बेटे और 3 वर्षीय बेटी को छोड़कर गए हैं। शहीद यमुना पनेरू एक जाबाज नाम था पूरे जिले में, क्योंकि यमुना पनेरू वो जाबाज जवान थे जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी अपना झंडा गाड़ चुके थे। जी हाँ, उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया था। आपको बता दें कि अपने 6 सदस्य दल के साथ कर्नल राणा के नेतृत्व में उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। शहीद यमुना पनेरू ने अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। जय भीम टीवी की तरफ से भी शहीद यमुना पनेरू को भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भीम टीवी।